हैप्पी होली। हमारे यूट्यूब चैनल अपना किचन एंड क्राफ्ट में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बिना खोए की गुजिया। उसके लिए सामग्री चाहिए: एक कटोरी शक्कर, 1.5 कटोरी मैदा, 1 कटोरी सूजी, देसी घी, मेवे में घिसी हुई गरी, बादाम, काजू, इलायची, किशमिश, चिरौंजी। मेवे को काट लीजिएगा बारीक, इलायची को पीस के डालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैदे में घी मिक्स करते हैं। सबसे पहले मैदे में घी डालते हैं। आधी कटोरी घी ली है मैंने। चलिए मैदे और घी को मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, ताकि हमारा मोवन अच्छे से रेडी हो जाए। ये देखिए घी मिक्स कर लिया है। जब इस तरह से हो जाए तब समझिए कि अच्छे से घी मिक्स हो चुकी है मैदे में। चलिए पानी डाल के इसको सानते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही सानिएगा, क्योंकि मैदे का डो थोड़ा टाइट ही रहता है। थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करके सानना है, क्योंकि गुजिया का डो टाइट ही रहेगा। चलिए इसको डो तैयार कर लेते हैं। देखिए हमारा डो रेडी हो चुका है। इसको सूती कपड़े में पानी लगा के ढक के रख देते हैं। सबसे पहले कढ़ाई चढ़ा देते हैं। आधी कटोरी घी ली है, इसको इसी में डाल देते हैं। देसी घी का इस्तेमाल करना है। देसी घी डाल दिया है। देसी घी डालने से गुजिया में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। गर्म हो चुकी है, इसी के साथ में 1 कटोरी सूजी डाल देते हैं। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक के फ्राई करते हैं। सूजी को हमें लो फ्लेम में ही बनाना है, क्योंकि ये जल जाता है बहुत जल्दी से, कढ़ाई में चिपकने लगती है, इसलिए धीमी आंच पे ही पकाना है। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है। थोड़ा सा इसको 2-4 मिनट के लिए और फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि जितना भूजेंगे उतना ही हमारी गुजिया अच्छी बनेगी। देखिए ये फ्राई हो चुकी है। अब इसको जो है एक बर्तन में निकाल लेते हैं। सूजी को कढ़ाई से निकालने के बाद कढ़ाई फिर से चढ़ा देते हैं। उसी कढ़ाई में 1 कटोरी शक्कर डाल देते हैं। इसी के साथ पानी मिक्स कर देते हैं। जितनी ज़रूरत हो उतना ही पानी पड़ेगा। अब चाशनी को रेडी कर लेना है। हमको गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ शक्कर जो है घुल जाए इसमें उतना ही इसको जो है पकाना है। शक्कर को चाशनी पकाते पकाते जो हमने इलायची ली थी उसको जो है पीस लिया है, उसको भी इसी में डाल देते हैं। देखिए चाशनी रेडी हो चुकी है। जो सूजी फ्राई की थी उसको इसी में डाल देते हैं। अब इसको भी अच्छे से पका लेते हैं। ये देखिए सूजी पक रही है, ये गाढ़ी हो चुकी है। इसी तरह से पकाइएगा आप भी। अगर खोया ना मिल रहा हो तो जो है सूजी का भी जो है गुजिया बन सकती है, बहुत अच्छी लगती है इसे खाने में, बहुत अच्छा बनता है इसका। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ में जो मेवे हमने काट लिए थे उसको भी मिक्स कर देते हैं। सारे मेवे को मिक्स कर लीजिए। सारे मेवे मिक्स हो चुके हैं। थोड़ा सा इसको और फ्राई कर लेते हैं, ताकि ये और थोड़ा सा सूख सके। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसको एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, जिस तरह से हमने बनाया है। आप भी घर पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है खाने में। गुजिया में भरने के लिए मटेरियल तैयार हो चुका है, इसको अब खाली कर लेते हैं। चलिए गुजिया बनाते हैं। लोई ले लीजिए, इसको बराबर से जो है इस तरह से कर लेते हैं। चक्कू की सहायता से छोटी छोटी लोइयाँ काट लेते हैं, ताकि बार बार जो है लोई बनाने का झंझट न रह जाए। इसी तरह से सारी लोइयों को काट लेते हैं। चलिए बेलते हैं। न ज़्यादा पतली रहेगी न ज़्यादा मोटी रहेगी। ये देखिए न पतली है न मोटी है, इसी तरह से
तैयार करेंगे। इसी तरह से सांचे में रख लेते हैं। मैदे का घोल रेडी किया था, इसको भी जो है लगा लेते हैं। इसको लगाने से ये होता है कि गुजिया हमारी चिपक जाती है अच्छे। एक चम्मच इसमें डाल लेते हैं सूजी को। इसी तरह से इसको पैक कर दीजिए। ये देखिए ऐसे ही बनना चाहिए। इसी प्रकार सारी गुजिया को तैयार कर लेते हैं। अगर आप बिना सांचे के बनाना चाहते हैं तो एक तरीका ये भी है बनाने का, जैसे हम कर रहे हैं बिल्कुल सेम इसी तरह से करिएगा। मटेरियल को इसी में भर लेते हैं। साइडों में जो है मैदे का पानी लगा लेते हैं। अब इसको जो है चिपका लेते हैं अच्छे से। अच्छे से दबा दबा के चिपका दीजिए। जिससे मैगी हम खाते हैं वाला चम्मच लेते हैं, इस तरह से दबा दीजिए। इससे भी बहुत अच्छा आता है। ये देखिए इससे भी डिजाइन कितनी अच्छी बनी है। इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं गुजिया। ये जो हमने बनाई है बहुत टेस्टी होती है, इसको घर में एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ये स्टाइल हलवाई वाली है, इसको भी आप देख लीजिए। मैदे का घोल लगा लिया है, अब इसमें जो है मटेरियल को भर देते हैं। ये अंगूठा और उंगली की सहायता से बनाया जाता है। देखिए हलवाई स्टाइल में बनाया है, उंगली और अंगूठे की सहायता से। मैंने तीन स्टाइल में गुजिया भरना बताया है। आपको जिस स्टाइल में पसंद हो उस स्टाइल में आप बना सकते हैं। चलिए सारी गुजिया को भर लेते हैं। आइए कढ़ाई चढ़ा लेते हैं चूल्हे में, तेल डाल लेते हैं, तेल को गरम कर लेते हैं। देखिए तेल गरम हो चुका है, अब इसमें जो है गुजिया को फ्राई करते हैं। तेल ज़्यादा गरम मत रखिएगा, थोड़ा सा हल्का ही गरम होना चाहिए। अलट पलट के इसको जो है पका लेते हैं। जितना आपको गोल्डन पसंद हो उसी प्रकार से इसको फ्राई कीजिएगा। ये देखिए हमारी गुजिया का कितना अच्छा कलर आया है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ऐसे ही अनोखी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करते हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए इसको सर्व करते हैं। सारी गुजिया बन चुकी है। हैप्पी होली, आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। आपकी होली का त्यौहार बहुत अच्छा हो, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। चलिए इसको सर्विंग के लिए निकालते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। जितना आपको इसको गोल्डन रखना हो उस हिसाब से आप रख सकते हैं। अब आपके लिए बहुत ही आसान रेसिपी बताई है, बिना खोए की गुजिया बना सकते हैं, जो कि बिल्कुल खोए की जैसे ही लगती है खाने में, टेस्ट में इसी तरह से बाजार वाले बेचते हैं दुकानदार। चलिए इसको सर्विंग करते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी गुजिया बनी है, इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आपका दिन शुभ हो, हैप्पी होली।